क्या आप यकीन करेंगे कि बजरंग बली की वानर सेना खुद रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ सुनने मंदिर आती है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये चित्रकूट के इस अद्भुत मंदिर का सच है। कहानी है चित्रकूट के रामघाट स्थित तोतामुखी हनुमान मंदिर की, जहां हर मंगलवार और शनिवार को एक खास नजारा देखने को मिलता है। इस मंदिर में हनुमान जी की वानर सेना वाकई में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए मंदिर आती है। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो चुका है। क्या है इस अद्भुत घटना का रहस्य? क्यों और कैसे ये वानर भक्तों के बीच आकर बैठते हैं? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प बातें। यहाँ के पुजारी का कहना है कि वानर सेना बजरंग बली के भक्तों के पास बैठकर कम से कम 5 मिनट तक यहाँ रुकती है, उनके बीच बैठती है और भक्तों की बातें सुनती है। जी हाँ, इसमें काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो, और ये तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी से मिलाया था। तो ये ऐसा विश्व में ऐसा ये स्थान है, और जो आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल शनिवार श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हनुमान जी का दरबार है और यहाँ पर लोग कोई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यहाँ पर 24 घंटे कई वर्षों से रामचरितमानस का पाठ भी 24 घंटे चल रहा है। तो जहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हो, तो हनुमान जी महाराज तो वास्तव में रहते ही हैं। रामचरितमानस के वो प्रेमी हैं, रामकथा के, रामकथा सुनवे को रसिया, तो रसिक हैं हनुमान जी महाराज रामकथा के। तो यहाँ पर 24 घंटे रामायण का पाठ चल रहा है। तो जो भी भक्त लोग यहाँ रामायण पाठ करने आते हैं और जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान भाव करते हैं, कोई बजरंग पाठ पाठ करता है, भक्तों के अनुष्ठान चलते रहते हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के उनको हनुमान जी महाराज यहाँ पर एक बंदर के रूप में आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं, और जो पाठ करते हैं उनका उनका पाठ बड़े ध्यान से वो सुनते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, और इस आस्था भाव से सब लोग देख रहे हैं कि इस स्थान में प्रार्थना करने से साक्षात हनुमान जी का यहाँ पर वास है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और वो एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ और तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण करूँगा और तुम्हारा कल्याण भी होगा। इस भावना से यहाँ लोग जो पाठ करते हैं और हनुमान जी महाराज विराजते हैं, उनका कोई दिन नहीं है नीचे कि डेली तो नहीं आते हैं, और कभी कभार आते हैं, और जो पाठ बैठे होते हैं उन्हीं के किन्हीं भक्तों के पास एक पास आते हैं हनुमान जी और एक पास बैठ के सुनते हैं। तो भक्तों को ये जो है एहसास होता है कि हनुमान जी महाराज की जो हम श्रद्धा भाव से भगवान को पाठ सुना रहे हैं वो भगवान हमारा स्वीकार कर रहे हैं। लगभग कितना टाइम देते हैं वो अपने भक्तों को जब आते हैं? तो ज़्यादा टाइम तो नहीं देते हैं, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं देते हैं, बस 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी 10-10 मिनट भी हो जाता है, लेकिन 5 मिनट तक वो हनुमान जी महाराज वहाँ उनके पास बैठते हैं सबके पास। चित्रकूट का ये वही स्थान है जहाँ हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन कराए थे। यहाँ हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ हमेशा चलता रहता है। मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ लगती है, साथ ही वानर सेना भी भक्तिमय हो जाती है और भक्तों के बीच आकर पाठ सुनती है। क्या ये सचमुच हनुमान जी का चमत्कार है या फिर कुछ और ही रहस्य छिपा है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।